इधर परासिया के भाजीपानी ग्राम पंचायत इलाके में जमीन धंसने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जमीन धंसने से घरों में दरार आ गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके चलते ग्रामीणों ने घर खाली कर दिए हैं। उन्हें इस कड़ाके की ठंड में टेंट में अब रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक जमीन धंसने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। एसडीएम के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच टीम भेजी गई है, साथ ही वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक से बातचीत भी की जा रही है। यार, तीन चार दिन पहले की बात है, तो हल्की सी दरार वगैरह आई थी और रात में अचानक बहुत सारा समझ में नहीं आया, और सुबह देखा तो पूरा दरारें बहुत ज्यादा हो गई। अब देखते 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 वो धीरे धीरे फिसलने लगा, फिसलते फिसलते तीन चार दिन में पूरा आज गिर ही गया मकान। रात में दरारें देखे हमने, दरारें आई, अब उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते बढ़ी, 10 बजे रात में, सुबह ज्यादा हो गई। फिर हम दूसरे दिन तो बस अचानक वो हो गया। अब हम बिल्कुल, अब हम निकले का सामान निकाले, हमने तो कोई सामान थोड़ा बहुत निकाले, नहीं तो कुछ निकाल नहीं पाए सामान, सब अंदर ही रह गए। और मेरे घर में 4-5 दिन से दरारें बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, जमीन भी फट रही है। तो सब पटवारी साहब भी आए, पंचायत वाले भी आए, अभी तक कहीं से सहयोग नहीं मिला है और हम टेंट लगा के रह रहे हैं यहाँ पर। और हम यही चाहते कि शासन प्रशासन से कि हमारा सहयोग करे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विनय जोशी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विनय, ये बड़ा अजीब सा मामला आया है, क्या कुछ वजह इसके पीछे बताई गई और अब क्या प्रबंधक कह रहे हैं? सर, तो मैं जो बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जो बताना चाहूंगा, जहां पर जो जमीन धंसी है वहां पे पूर्व में अंडरग्राउंड कोल माइन चलती थी, जो कि अब करंट में बंद हो चुकी है, जिसके चलते जमीन के अंदर खाली होने और जो जमीन है वो पिल्लरों पे लगी हुई बैठी हुई है। अब हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ भूस्खलन हुआ हो या वो पिल्लर हट गया हो, जिसके कारण वो जमीन धंसी है और जमीन मतलब धीरे धीरे उस धंसने का क्रम बढ़ते जा रहा है। पहले तो हल्की दरारें आई थी, अब दरारें बढ़ती जा रही है। एक मकान तो पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, दूसरा मकान की इतनी दरारें आ गई हैं कि लोगों ने अपना मकान खाली करके टेंटों में निवास कर रहे हैं और इतनी कड़कती ठंड में वो बाहर रहने को मजबूर हैं। चौधरी जी, बिल्कुल। तो प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, किस तरह से उनको मकान को ठीक किया जाएगा या फिर इनको कहीं और रहने को दिया जाएगा घर? जहाँ तक जो हमारे एसडीएम महोदय से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इसका हम सर्वे करवा रहे हैं और जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, जो कोल प्रबंधक है, उनके महाप्रबंधक से बातचीत हुई। उन्होंने ये बताया कि हम एक सर्वे टीम वहाँ पहुँचा रहे हैं, वो सर्वे टीम वहाँ पे सर्वे करेगी। अगर स्थिति गंभीर बनी हुई है, ऐसा लगता है कि स्थिति गंभीर रहेगी और दरार आएगी, तो वहाँ के जो कुछ जो मकान है, उस क्षेत्र के जितने मकान है, उनको खाली करवा दिया जाएगा और उनको तत्कालिक कहीं व्यवस्था की जाएगी। और एसडीएम साहब का ये भी कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसा स्थिति बनती है तो उनको कहीं सरकारी जमीन देके वहां पर उन्हें बसाया जाएगा। देखना होगा किस तरह से इन्हें विस्थापित किया जाता है। हालांकि अभी जांच होगी, टीम पहुंचेगी और जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।